दोस्तों, जब हम एयर कंडीशनर खरीदने जाते हैं बाजार में, तो हमारे दिमाग में बहुत से क्वेश्चंस उठते हैं कि हम कौन सा एयर कंडीशनर खरीदें। तो ये आज मैं वीडियो लेके आया हूँ आपको लिए, जिसमें हम इन सब सवालों का जो है आपको जवाब देंगे कि जब हम एयर कंडीशनर खरीदने जाते हैं तो हमारे सामने ऑप्शन होता है कि हम विंडो AC खरीदें या स्प्लिट AC खरीदें। और जब हमारे सामने जब इन सवालों का जवाब मिलता है कि चलिए हम विंडो AC खरीदते हैं या स्प्लिट AC खरीदते हैं, फिर उसमें भी कई ऑप्शंस आते हैं कि हम उसमें नॉर्मल AC खरीदें या स्टार रेटिंग वाले AC खरीदें या इन्वर्टर AC आजकल जो अवेलेबल हैं उस AC को खरीदें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने स्क्रीन पर बने बेल आइकन बटन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे जब भी कोई हम अपना नया वीडियो बनाएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगा। तो फ्रेंड्स, हमारे जो AC ख़रीदने जाते हैं तो जो पहली चॉइस होती है विंडो और या स्प्लिट AC करने के लिए, वो होती है कि हम विंडो AC खरीदें या स्प्लिट AC खरीदें। तो ये जो हमारी चॉइस डिपेंड करती है, ये सबसे पहले जो इसकी चॉइस आती है इंस्टॉलेशन के ऊपर कि विंडो AC और स्प्लिट AC दोनों का इंस्टॉलेशन जो होता है डिफरेंट होता है। जैसे स्प्लिट AC जो होता है, इसके अंदर दो यूनिट होते हैं और ये जो स्प्लिट AC है आपका वॉल माउंटेड होता है और वहाँ पर हम ये चॉइस करते हैं, वहाँ लगाते हैं जहाँ पर आपके पास जो है रूम में विंडो का या कोई भी एग्जॉस्ट कटआउट नहीं बना हुआ है, वहाँ अवेलेबल नहीं है ये सब प्रोविज़न। तो उस जगह हम जो है ये आपकी स्प्लिट AC का जो है चॉइस करते हैं, ठीक है। यानी कि स्प्लिट AC को इंस्टॉल करने के लिए ज़्यादा जगह की ज़रूरत होती है, तो ये भी देखना पड़ता है कि हमारे पास जो है स्पेस रिक्वायरमेंट कितना है। अगर हमारे पास स्पेस रिक्वायरमेंट सफिशियंट है तो हम स्प्लिट AC जो है चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास चॉइस आती है विंडो AC का। विंडो AC लगाने के लिए हमें चाहिए कि हमारे जो है रूम के अंदर कोई भी विंडो की जो है पॉकेट बनी हुई हो, उसके अंदर कोई कटआउट ऐसा बना हुआ हो हमारे रूम के अंदर कि जिसके अंदर जो है विंडो AC का जो यूनिट को जो है फिट किया जा सके। विंडो AC जो होता है ये सिंगल यूनिट के अंदर आता है और इसको जो है एक जगह जो है फिक्स किया जा सकता है। तो ये जो विंडो AC और स्प्लिट AC का जो सिलेक्शन है, ये इंस्टॉलेशन बेस पे भी है कि हमारी रिक्वायरमेंट कैसी है, हमारे रूम की जो है कंडीशंस कैसी हैं, उसके ऊपर हम जो है इसको जो है चूज़ करते हैं। सेकेंड जो है चॉइस होता है हमारा AC का, वो कॉस्ट वाइज कि जो कॉस्ट वाइज जो है हमारी जो है फाइनेंशियल या हमारा बजट क्या है, उस बेस पे भी हम जो है चॉइस करते हैं। तो स्प्लिट AC जो है ये आपका जो है काफ़ी कॉस्टलियर होते हैं देन द इन कंपेरेटिव द विंडो AC। तो दूसरा जो विंडो AC होते हैं ये चीपर होते हैं इन कंपेयर टू अवर स्प्लिट AC। तो जब भी हम जब चॉइस करेंगे कि हमको जो है स्प्लिट AC चाहिए या विंडो AC चाहिए, तो पहले हम ये भी देखेंगे कि हमारा बजट क्या है। तो बजट के अकॉर्डिंग जो है हम अपने जो है विंडो AC को जो है चूज करेंगे। थर्ड जो पॉइंट आता है सबसे बाद में, जो हमारी कूलिंग की रिक्वायरमेंट्स क्या है। वैसे तो जैसे अगर हम कहें कि 1 टन की AC है तो और विंडो AC और स्प्लिट AC की ऑलमोस्ट जो है कूलिंग जो कैपेसिटीज़ होती हैं वो सेम होती हैं, बट स्प्लिट AC का जो कूलिंग कैपेसिटी होता है स्लाइटली हायर देन द विंडो AC। द रीज़न इज़ कि इसके अंदर जो एवोपरेटर्स कॉइल्स होती हैं उनका साइज जो होता है, एरिया जो होता है, विंडो AC से ज़्यादा होता है। तो यानी कि जो हीट एब्जॉर्बन करने की जो कैपेसिटी है स्प्लिट AC की, वो ज़्यादा होती है। इसलिए जो है जो कूलिंग कैपेसिटी है विंडो AC की स्लाइटली जो है लेसर देन होती है आपकी स्प्लिट AC से। वैसे इसमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होता कूलिंग एफिशिएंसीज के अंदर। फोर्थ पॉइंट जो आता है नॉइज़ के अंदर, क्योंकि स्प्लिट AC जो है का जो आउटडोर यूनिट होता है ये हमारे जो है रूम से बाहर लगता है और इसका जो इंडोर होता है उसके अंदर कोई कंप्रेसर वगैरह कोई ऐसी नॉइस नहीं होती जिससे कि नॉइस क्रिएट हो। तो जनरली इसीलिए इस AC को जो स्प्लिट AC जो होता है इसको हम साइलेंट AC भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो नॉइस जो होता है AC का चलने पर वो बहुत कम होता है, माइनर होता है।
दूसरे जो विंडो एसी होते हैं ये सिंगल यूनिट्स के अंदर होते हैं, और इसी के जो यूनिट जो होता है तो विंडो वाला, इसी के अंदर कंप्रेसर यूनिट होता है। तो जब ये जब भी ऑन और ऑफ होता है तो इसके अंदर जो थोड़ी सी जो साउंड है इसकी वो नॉइज़ क्रिएट होती है। तो इसमें जो स्लाइटली जो है नॉइज़र होते हैं ये विंडो एसी इन कंपेयर टू द स्प्लिट एसी। आपका जो नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो है चूज़ करने का एसी को किसी भी, कि हमारा एसी जो है एयर कंडीशनर कितना एनर्जी एफिशिएंट है। तो ये ज़रूरी है जानना के लिए कि जो स्प्लिट एसी होते हैं वो आपका थोड़े से पावर एफिशिएंट ज़्यादा होते हैं इसके अंदर, क्योंकि स्प्लिट एसी के अंदर जो है कई चॉइस होती हैं, स्टार रेटिंग के अंदर भी आते हैं। और दूसरा इनकी जो अगर हम कंपेयर करेंगे कि विंडो या आपका करंट कैरिंग कैपेसिटी का, तो स्प्लिट एसी के अंदर जो है थोड़ा कम होता है इन कंपेयर टू द विंडो एसी। तो इसलिए अगर हम देखें कि जो स्प्लिट एसी हैं थोड़े से, अगर हम बीई की जो इस मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि जो पावर रेटिंग है कि कितना कौन सा एसी कंज्यूम करता है पावर, उसमें स्प्लिट एसी जो है आपका विंडो एसी से थोड़ी सी इनकी पावर कंजप्शन जो है कम रहता है। तो इसलिए जो है कह सकते हैं कि स्प्लिट एसी की जो पावर कंजप्शन है वो कम है, यानी कि इनकी जो एनर्जी एफिशिएंट जो है एफिशिएंसी वो स्प्लिट एसी की ज़्यादा होती है। तो दोस्तों हम जो दूसरा फैक्टर है एसी को चूज़ करते हैं कि किस कैपेसिटी का एसी हम खरीदा जाए, तो ये भी हमारे लिए बहुत समस्या का या बहुत ही प्रॉब्लम्स होती है कि भाई हम कितने कैपेसिटी का एसी खरीदें, कि ज़्यादा कैपेसिटी का एसी खरीदने से क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल भी ज़्यादा आएगा। अगर हमारा रूम का साइज़ छोटा और हम ज़्यादा बड़ा एसी खरीदें तो ये भी एक बड़ी समस्या है। छोटा एसी मतलब रूम है और बड़ा रूम है और छोटा एसी खरीद लें तो कूलिंग कैपेसिटी उसकी कम होगी, रूम कम ठंडा होगा, तो ये भी हमारे लिए समस्या है। तो दोस्तों ये मैंने कुछ एक टेबल दे रहा हूँ यहाँ पर, इसमें आप देखेंगे कि जो रूम के साइज़ के हिसाब से हम एसी की जो है टनेज जो होती है उसकी कूलिंग कैपेसिटी वो डिसाइड करते हैं। यानी कि जो आप देखेंगे कि ये टन्स जो दे रखे हैं हमारे 0.75, 1 टन, 1.25 टन, ये कैपेसिटीज़ हैं ऑफ द एसी जो मार्केट में अवेलेबल होती हैं। जो एसी होते हैं इनकी कैपेसिटी अवेलेबल है 1.5, 2, 2.5 एंड 3, अप टू 3 टन्स कैपेसिटी के जो एसीज होते हैं ये स्मॉल अमाउंट होते हैं, या मतलब स्मॉल साइज़ के होते हैं और मॉड्यूलर टाइप के होते हैं जो घरों में यूज होते हैं। इससे बड़े कैपेसिटी के जो एसीज हैं वो जो है कॉमर्शियल यूज़ में होते हैं घरों में, या बहुत बड़े बिग मॉल्स कॉमर्शियल यूज़ के अंदर यूज होते हैं। लेकिन घर के अंदर हमें एसी चूज़ करना है तो जैसे 0.75 टन है तो उसका रूम का साइज़ जो है लगभग जो है 7 से 8 स्क्वायर मीटर, 7x8 फीट का होना चाहिए, यानी कि टोटल जो है 80 स्क्वायर फीट है। 1 टन के लिए ऑलमोस्ट जो है 110 स्क्वायर फीट है, 1.25 के लिए 130 स्क्वायर फीट है, 1.5 टन के लिए 160 स्क्वायर फीट की रिक्वायरमेंट है। तो ये सारी जो है रूम के साइज़ के हिसाब से आप अपने रूम का लेंथ और विड्थ जो है फीट में आप मेजर कर लीजिए, उसको दोनों को मल्टीपल कर लीजिए और उसका जो भी एरिया आता है तो इस टेबल के हिसाब से आप अपने एसी को जो है उसकी कैपेसिटी को टन्स को चूज कर सकते हैं परचेज करने के लिए। अब हमारे लिए जो है दूसरे जो नेक्स्ट जो है पॉइंट है जो चूज करने का, कि हम एसी जो है कि नॉर्मल एसी खरीदें, क्योंकि मार्केट में बहुत से जो नॉर्मल एसी हैं, या हम स्टार रेटिंग वाला एसी खरीदें जिसमें जो है बीई की रेटिंग आती है, स्टार रेटिंग होते हैं, जैसे सिंगल स्टार है, डबल स्टार है, 3 स्टार हैं, 4 स्टार हैं, 5 स्टार हैं, लाइक दैट बीई आपका जो है स्टार रेटिंग एसी अवेलेबल है मार्केट के अंदर कि हम स्टार रेटिंग में। नाउडेज जो नया इन्वेंशन है इन्वर्टर एसी ऑल्सो अवेलेबल इन मार्केट, कि इन्वर्टर एसी हम खरीदें, तो ये जो है हमारे पास जो है इस अब हमने अगर चॉइस कर लिया है कि विंडो एसी के अंदर और स्प्लिट एसी के अंदर, तो हमारे पास जो है फर्दर चॉइस होती है कि हम इसको नॉर्मल एसी में खरीदें जाए, स्टार रेटिंग में खरीदें, या इन्वर्टर एसी के अंदर खरीदा जाए। तो ये जो चॉइस होती है आपके पास वो किस तरीके से आती है वो मैं बताता हूँ आपको। कि फर्स्ट
जो है हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि ये एसी के अंदर जो है वर्किंग होती है वो क्या है मेन कंपर्ट आपके एसी के अंदर, जो भी जो आजकल एसी अवेलेबल है, नॉर्मल, स्टार रेटिंग और आपका इन्वर्टर एसी, ये सारी टेक्नोलॉजी, सारे सारे फीचर्स जो होते हैं कंप्रेसर बेस होते हैं। एक्चुअली इसके अंदर जो एसी के अंदर जो मेन फंक्शनिंग यूनिट है, जो मेन पावर कंजप्शन वाला जो यूनिट है, वो एसी का कंप्रेसर है। ये आखिर एसी के जो कंप्रेसर है वो कितना लोड ले रहा है, वो कैसे काम कर रहा है, और जो भी टेक्नोलॉजी चेंजेस होती हैं वो हमारे कंप्रेसर्स के अंदर आती हैं। तो हमें जो है ये भी जानना ज़रूरी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एसी जो कंप्रेसर होता है वो काम कैसे करता है। एक्चुअली जो एसी का जो कंप्रेसर होता है, इसके अंदर एक मोटर होती है जिसके अंदर स्टेटर और रोटर वाइंडिंग्स होती हैं। जब हम इसके अंदर करंट देते हैं, जब करंट ड्रॉ करता है, तो ये स्टेटर वाइंडिंग के वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है और रोटर जो है हमारा जो है कंप्रेसर का वो रोटेट करता है। ये रोटर के साथ में एक शाफ्ट अटैच होती है जो एक कैम टाइप का जो है रोटरी पिस्टन होता है जो रोटेट होता है। जब ये कैम जो है रोटेट होता है तो इसके अंदर जो है गैस जो है केसिंग होती है, इस केसिंग के अंदर गैस होती है, इसको जो है कंप्रेस करता है। ये कंप्रेस एयर जो है, गैस जो है, आगे जो है डिस्चार्ज लाइन द्वारा जो है आपकी जो है डिस्ट्रीब्यूट होती है टू द कंडेंसर कॉइल एंड ऑल। जब ये रोटर जो है रोटेट करता है तो एक तरफ से जो है गैस को, यानी कि गैस जो होती है रेफ्रिजरेंट, उसको सक करता है, दूसरी तरफ से हाई प्रेशर में इसको जो है डिस्चार्ज कर देता है। तो ये जो है हमारे जो है कंप्रेसर का मेन काम होता है और इस बेस पे ही कंप्रेसर काम करते हैं। तो दोस्तों अब हमारे लिए ये भी जानना ज़रूरी है कि ये इन्वर्टर एसी का जो कंप्रेसर है और नॉर्मल एसी का जो कंप्रेसर है उसमें बेसिकली क्या डिफरेंस होता है। कि जब हम कहते हैं कि हमारा ये एसी जो है नॉर्मल एसी है या एसी ऑर्डनरी एसी है, तो जो अंदर इसके अंदर एसी का अगर हम कंस्ट्रक्शन देखें कंप्रेसर का, तो इसके अंदर एक सिंगल रोटर आपका कैम टाइप का रोटर होता है, इसके अंदर सिंगल डिस्चार्ज एक ओपनिंग पॉइंट होता है कि ये वो एक कांस्टेंट स्पीड, सिंगल स्पीड पे जो है वर्क करता है आपका नॉर्मल कंप्रेसर। अगर हम इन्वर्टर कंप्रेसर की बात करें तो ये इन्वर्टर कंप्रेसर के अंदर आपका जो है डबल रोटरी होता है, यानी कि इसके अंदर दो कैम होती हैं, रोटरी कैम होती हैं, यानी कि ये जो है ये आपका डबल स्टेज जो है इसको हम कंप्रेसर बोल सकते हैं। और ये इस वेरिएबल स्पीड भी होता है, ये डीसी ऑपरेटेड होता है। दूसरा हम कहेंगे डीसी ऑपरेटेड इसलिए होता है कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड, जैसे आप मैंने बताया, ये आपका स्टेटर वाइंडिंग होता है, रोटर वाइंडिंग होता है। इन्वर्टर एसी के अंदर जो स्टेटर वाइंडिंग नहीं होती, उसके अंदर जो है परमानेंट मैग्नेट्स यूज की जाती हैं। वो परमानेंट मैग्नेट जो है मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करती है और रोटर जो है रोटेट करता है उसके अंदर। तो इससे क्या होता है, एक तो ये एनर्जी एफिशिएंसी इससे बढ़ जाती है कंप्रेसर की, क्योंकि एसी की, क्योंकि इसके अंदर स्टेटर वाइंडिंग नहीं है, हम इसके अंदर कोई भी जो है इलेक्ट्रिक करंट जो है इसके अंदर नहीं दे रहे हैं कंप्रेसर के अंदर, जिससे कि इसको मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करने के लिए। तो ये जो है एक तो वहाँ पे एफिशिएंसी इसकी बढ़ जाती है एसी की। दूसरी जो है इसके अंदर दो कैम होते हैं, ड्यूअल टाइप का रोटर होता है। तो सपोज जब हमारा एसी जो है एट डिजायर टेम्परेचर पर पहुंच जाता है, जो हमें रेटिंग चाहिए जो टेम्परेचर की वो पहुंच जाता है, तो ये जो है सिंगल उस पर जाता है, यानी कि ये पावर कंजप्शन इसका जो है कम हो जाता है, आधा हो जाता है। तो इस तरीके से जो है ये जो कंप्रेशर्स होते हैं इसके इन्वर्टर के, वो हमारे जो है मोर एफिशिएंट होते हैं। तो दोस्तों अब हमारे एक दिमाग में ये भी बात आती है कि हम 5 स्टार रेटिंग एसी खरीदें या स्टार रेटिंग वाले एसी खरीदें या इन्वर्टर एसी खरीदें, कि स्टार रेटिंग वाले जो एसी हैं वो भी जो है एनर्जी एफिशिएंट होते हैं और इन्वर्टर एसी है वो भी एनर्जी एफिशिएंट है। बट इसके अंदर जो है मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो स्टार रेटिंग वाले एयर कंडीशनर हैं, वो अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं 1.5 टन्स का जो एसी की बात करूँगा, तो वो लगभग जो है 1.5 यूनिट जो है कंज्यूम करता है 1 घंटे के अंदर। और वही सेम कैपेसिटी का इन्वर्टर एसी 1.5 टन का, वो लगभग जो है 0.9 से 1 यूनिट जो है कंज्यूम करता है यूनिट्स 1 घंटे के अंदर।
यानी कि अगर हम देखें कि जो इन्वर्टर एसीज हैं वो लगभग जो है 40% जो है लेस बिजली कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, यानी कि मोर एफिशिएंट हैं आपके स्टार रेटिंग से। इसका मेन कारण है कि जो इनका जो कंप्रेसर है उसका कंस्ट्रक्शन जो है बिल्कुल डिफरेंट है, इसलिए जो है हम कह सकते हैं कि जो इन्वर्टर एसी हैं ये 40% जो है मोर एफिशिएंट हैं द कंपेयर टू द स्टार रेटिंग कंपनी। नाउ अगर हम ये समझना चाहें कि ये बी एनर्जी रेटिंग स्टार्स जो होते हैं, हम कहते हैं कि आजकल जो मार्क आते हैं मार्केट में कि 2 स्टार रेटिंग एसी, 3 स्टार रेटिंग, 4 स्टार, 5 स्टार रेटिंग, ये है क्या? तो ये एक्चुअली क्या है, ये एनर्जी एफिशिएंसी रेटिंग कहलाती है वी की, जो एसी जब इसमें मैन्युफैक्चरिंग होता है तो कंपनी उसको जो है इस पे जो है लगाती है। तो जैसे ये कुछ रेटिंग्स हैं जैसे विंडो एसी के लिए और स्प्लिट एसी के लिए, दोनों के लिए डिफरेंट होती हैं। तो अप टू फ्रॉम 1 स्टार से 5 स्टार ये आपकी जो है इसकी फैक्टर होता है, इसको हम बोलते हैं EER, यानी कि एनर्जी एफिशिएंट रेटिंग WW। तो ये एक मल्टीपल फैक्टर होता है, ये मल्टीपल फैक्टर जो है हमारा जो है आपका देखेंगे हर विंडो एसी स्प्लिट एसी के लिए अलग अलग होता है कि 1 टन स्प्लिट एसी और 1 टन ऑफ विंडो एसी। तो इससे जो है हम अपनी जो है कितनी यूनिट कंज्यूम कर रहा है हमारा एसी, कैन कैलकुलेट द यूनिट्स। अगर हम देखें तो जनरली जो है एक 1 टन का जो एसी होता है 12,000 BTU, BTU क्या होता है, कूलिंग कैपेसिटी होती है किसी भी एसी की, जो थर्मल एफिशिएंसी जो है यानी कि इतनी हीट जो है ट्रांसफ़र करता है कूलिंग में, और उस हीट ट्रांसफ़र करने को इसको जो है लगभग चाहिए होते हैं 3517 वाट। तो ये जो वाटेज हैं ये जनरली हमने इसको जो है देखिए जहाँ कैलकुलेट करा कि कितनी पावर कंज्यूम करेगा डिफरेंट डिफरेंट रेटिंग के, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 स्टार रेटिंग ऑफ विंडो एसी और सेम वे द 1 टन ऑफ द स्प्लिट एसी। तो इसमें जैसे हमारा देखेंगे तो ये जो रेटिंग है जो EER जो है इसको हम डिवाइड कर देते हैं ये टोटल पावर कंजप्शन से, सॉरी ये जो वाटेज हैं उससे 351 को हमने जो है सपोज़ 1 रेटिंग वाले जो स्टार रेटिंग वाले हैं इसको जो हमने डिवाइड किया 2.5 से, ये मल्टीपल फैक्टर है, और इसका जो जो वाटेज आता है यूनिट्स आएंगे वो आपको 1.4 यूनिट आएगा 1 घंटे के अंदर ये पावर उतना कंज्यूम करेगा। ऐसी 5 रेटिंग वाले जो विंडो एसी हैं 1 टन के, वो आपका लगभग जो है 1 यूनिट के करीब जो है कंज्यूम करते हैं 1 घंटे के अंदर। ऐसी जो स्प्लिट एसी वाले हैं वो भी जो है आप देखेंगे लगभग जो है ये 1.06 यूनिट है विंडो एसी, ये 1.05 है, यानी कि जो स्टार रेटिंग वाले स्प्लिट एसी हैं वो मोर ये आपके एनर्जी एफिशिएंट हैं इन कंपैरिजन टू विंडो एसी, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो नाउ दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग एसी है आपको वो कितना पावर कंज्यूम कर रहा है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है, आप कैसे चेक करेंगे उसको? तो उसको आप जो है अपने घर पे जो है मल्टीमीटर से जो है आप जो है चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने अपना जो है स्प्लिट एसी है 3 स्टार स्प्लिट एसी है 1 टन का, उसको मल्टीमीटर से चेक किया उसका करंट कितना ड्रॉ कर रहा है, और टॉगल क्लैंप मैंने इसके लिए यूज़ किया तो मैंने मेजर किया इसमें ये मेरा जो एसी है 4.8 से 5 एम्प्स जो है ड्रॉ कर रहा है, 225 वोल्ट इसमें स्टेबलाइजर के अंदर दिखा रहे हैं शो कर रहे हैं। इट्स मीन्स जो इसके अंदर जो पावर कंजप्शन हो रहा है 225 वोल्ट ये आपके हो गए, 5 एम्स हो गया, इस तरीके से 1125 वाट के करीब जो है ये कंज्यूम कर रहा है, यानी कि 1.125 यूनिट्स इन ए 1 आवर। सो हम जो है ये यूनिट्स हो गए आपके, ये मेरे कंजप्शन हो गए। तो हम अगर हम इस कंपेयर करना चाहें जो ईआर टेबल जो मैंने आपको प्रीवियस दिखाया है, तो 1 टन के लिए जो है ये लगभग जो है 1.13 वॉट आता है 3 स्टार स्प्लिट एसी के लिए, यानी कि जो मेरा जो एसी है वो ठीक काम कर रहा है, उसके अंदर जो गैस की क्वांटिटी है जो भी उसके अंदर जो रोटरी पार्ट्स हैं यानी कि जो यूनिट्स हैं वर्किंग प्रॉपरली, तो इस तरीके से हम जो है अपना चेक कर सकते हैं। दोस्तों दूसरा मैं कंपेरिजन आपके सामने दिखाता हूँ कि आखिर नॉर्मल एसी और इन्वर्टर एसी के अंदर क्या फ़र्क होता है जब आप जो है इसको जो है परचेज़ करने के लिए जाते हैं।
तो देखिए दोस्तों, जब हम इन्वर्टर एसी और नॉर्मल एसी के परचेजिंग की बात करते हैं, चूज़ करने की बात करते हैं, तो सबसे बड़ा मेजर फैक्टर होता है इसकी यूनिट कॉस्ट के ऊपर। एक जो डिफरेंस है ये आपका जो है यूनिट कॉस्ट का है, कि जो इन्वर्टर एसी हैं इनकी इनिशियल वैल्यू जो है, इनिशियल कॉस्ट जो है ज़्यादा है, और नॉर्मल एसी हैं इसकी इनिशियल कॉस्ट जो है कम है। लेकिन जब हम इन्वर्टर एसी वन टाइम हमने इन्वेस्ट कर दिया इसके अंदर, तो इसका जो इलेक्ट्रिक बिल आता है इसमें जो है इन कंपैरिजन टू नॉर्मल एसी से बहुत कम आता है। तो इसके अंदर अगर हम देखें कि नॉर्मल एसी और इन्वर्टर एसी के अंदर ओवरऑल बेनिफिट्स क्या है, तो देर आर सम बेनिफिट्स, ओवरऑल बेनिफिट्स टू परचेज द इन्वर्टर एसी। यानी कि इसका जो बेनिफिट्स है आपको एकदम से आप चाहेंगे कि एक साल में आपको दिखाई दे जाए, नहीं आएगा, क्योंकि इसका आरओआई हम कह सकते हैं रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट जो आपने इन्वर्टर एसी पे खर्च किया है वो कब लगभग जो है 3-4 साल में आ जाता है, कि आपका 3-4 साल में आपका इतना बिजली बचा देगा कि आपको जो डिफरेंस था नॉर्मल एसी परचेज करने का इन्वर्टर एसी का, वो आपका रिकवर हो जाता है। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक एंड गिव योर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स यू।